नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा प्री बीपीएड, प्री एमपीएड, प्री एमएड, प्री बीएड एमएड प्रवेश परीक्षा 2021 के संदर्भ में विभिन्न अपडेट जारी किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी अपडेट्स के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट लिंक्स के अंतर्गत हमें बीपीएड एंड एमपीएड एडमिशन 2021, एमएड बीएड एमएड एडमिशन 2021 के लिंक दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएड एवं एमपीएड के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा, bpr2021.com। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। प्री बीपीएड 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग डेट एक्सटेंड, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। प्री बीपीएड एवं प्री एमपीएड प्रवेश परीक्षा 2021 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 10 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए समय समय पर पाठ्यक्रमों की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। और इसी के साथ में RBSC विद HSM चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जनरल गाइडलाइन के संदर्भ में यहां जानकारी दी गई है, इसका अवलोकन हम आसानी से कर सकते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रजिस्टर फॉर काउंसलिंग, रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस, फॉरगॉट पासवर्ड, कॉलेज सिलेक्शन, रीप्रिंट कॉलेज चॉइस, महत्वपूर्ण जो लिंक है, इन पर क्लिक करके हम काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम प्री एमपीएड के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। दस अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन पंजीकरण की जो तिथि है बढ़ा दी गई है। अब बात करेंगे हम एमएड एंड बीएड एमएड एडमिशन के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने बीएड एमएड एंट्रेंस टेस्ट का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा, काउंसलिंग डेट एक्सटेंडेड, दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। काउंसलिंग कार्यक्रम की संशोधित विस्तृत सूचना, काउंसलिंग कार्यक्रम की निर्धारित तिथियां, काउंसलिंग हेतु पंजीकरण ऑनलाइन पंजीकरण ₹5,000 व अन्य डाउनलोड कीजिए 3 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। महाविद्यालय का चयन अधिकाधिक ऑप्शन भरे 3 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। महाविद्यालय चयन में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो चालू की गई है 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक। महाविद्यालय आवंटन की सूची मुख्य सूची 7 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 2021 तक जारी की जाएगी। आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में उपस्थिति प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2021 तक। महाविद्यालय अपग्रेडेशन करा सकते हैं 14 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2021 तक। अपग्रेडेशन द्वारा आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2021 तक। महाविद्यालय आवंटन प्रथम प्रतिरक्षा सूची सीटें उपलब्ध होने पर 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर प्रथम प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की महाविद्यालय में उपस्थिति होगी 22 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। महाविद्यालय आवंटन द्वितीय प्रतीक्षा सूची 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जारी की जाएगी। द्वितीय प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में उपस्थिति प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। महाविद्यालय आवंटन तृतीय जो प्रतीक्षा सूची है 1 नवंबर
से 2 नवंबर 2021 तक जारी की जाएगी। महाविद्यालय आवंटन तृतीय सूची 1 नवंबर से 2 नवंबर। तृतीय प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में उपस्थिति 4 नवंबर से 6 नवंबर 2021 तक रहेगी। महाविद्यालय आवंटन के उपरांत फीस की शेष राशि एमएड के लिए 17,370 रुपये एवं बीएड एमएड के लिए 21,930 रुपये आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या में ऑनलाइन जमा करावें। अपग्रेडेशन की सुविधा महाविद्यालय में प्रवेश उपरांत प्रथम सूची के विद्यार्थियों को ही मिलेगी। अपग्रेडेशन का मतलब है अगर कोई महाविद्यालय आपको पसंद नहीं आता है और आप दूसरे महाविद्यालय में जाना चाहते हैं तो आपको अपग्रेडेशन की सुविधाएँ उपलब्ध होगी सीट रिक्त होने की स्थिति में। तो यहाँ पर जो संशोधित जो कार्यक्रम है जारी किया गया है, मेन जो तथ्य यहाँ पर है, महाविद्यालय जो आवंटन की सूची है 7 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 2021 तक जारी की जाएगी। अब बात करेंगे हम कॉलेज लिस्ट के संदर्भ में। यहाँ कॉलेज लिस्ट को अपडेट किया गया है। कॉलेज लिस्ट दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। तो यहाँ सीटों की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अपडेट कॉलेज सिलेक्शन। यहाँ पर क्लिक करके हम अपने जो कॉलेज है उसमें अपडेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एमएड के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। एक्सटेंड कर दी गई है एवं यहाँ पर भी अपडेट कॉलेज सिलेक्शन के लिए ऑप्शन मांगा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज लिस्ट के संदर्भ में। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो कॉलेजों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। तो इस लिस्ट का अवलोकन कर सकते हैं। इस लिस्ट को जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी गई है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सीटें हैं वो बढ़ाई गई हैं। तो यहाँ पर हम कॉलेज का जो सिलेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा अपडेट कॉलेज सिलेक्शन। दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं हमारे सामने चालान नंबर का ऑप्शन होगा, रोल नंबर का ऑप्शन होगा, डीओबी का ऑप्शन होगा, प्रोसीड पर क्या आप महाविद्यालय चयन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें यश या नो को सेलेक्ट करेंगे। ईयर मंथ एवं डे सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करके हम महाविद्यालय का जो चयन है सूची है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2021 की थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके संदर्भ में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।